एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से है, होता क्या है, इसका यूजेज क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड रेशियो क्या होते हैं और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एंगल क्या होता है। दो लाइन जहां पे आके मिलती है वहां पे एंगल बनाती है। दो लाइन जहां पे आकर मिलती है वहां पर एंगल बनाती है। अब ये लाइन कैसे भी आके मिल सकती है, ऐसे भी आके मिल सकती है, ऐसे भी आकर मिल सकती है। तो बेसिकली दो लाइन आकर मिलती हैं तो एक एंगल बनाती हैं। अब वो एंगल तीन तरीके से बनाती हैं। अगर 90 डिग्री का बनाती हैं तो राइट एंगल बोलते हैं, अगर 90 डिग्री का बनाती हैं तो राइट एंगल बोलते हैं, 90 डिग्री से बड़ा बनाती हैं तो ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, और 90 डिग्री से छोटा बनाती हैं तो उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। एंगल दो लाइन जहां पे आके मिलती है वहां पे एंगल बनाती है। ये एंगल तीन तरीके से होता है। अगर 90 डिग्री का बनता है तो राइट एंगल, 90 डिग्री से बड़ा बना है तो ऑब्ट्यूस एंगल, और 90 डिग्री से छोटा है तो एक्यूट एंगल। अब जान लेते हैं ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल टोटल छह तरीके का होता है, तीन साइड के आधार पे और तीन एंगल के आधार पे। यहां पर हम देखेंगे एंगल के आधार पे। एंगल के आधार पे ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो, राइट एंगल हो ना, तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल राइट एंगल हो तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। वो ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, किसी तरीके से भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये सभी के सभी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। अब हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से है। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है और ये तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है और तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राई गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब थ्री, गॉन का मतलब साइड और मेट्रॉन का मतलब मेजर। ट्राई का मतलब थ्री, गॉन का मतलब साइड और मेट्रॉन का मतलब मेजर। मेट्रॉन का मतलब प्रिज्म। अब जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। The distance and height can be found in can be found by mathematical technique under the mathematics, under the mathematics are called The distance and height can be found by mathematical technique under mathematics are called trigonometry. किसी भी चीज का डिस्टेंस निकालना है, जैसे मान लीजिए कोई आप यहाँ खड़े हैं, ये कोई बिल्डिंग है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना रहे, चाहे इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, तो इसको निकालने का तरीका
जो मैथमेटिक्स मैथमेटिकल टेक्निक है मैथ में, उसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। एक बार और ध्यान दीजिए, किसी भी चीज का डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ डिस्टेंस, एंड किसी भी चीज का हाइट, हाइट निकालने के तरीके को अंडर द मैथमेटिक्स मैथ में, किसी भी चीज के निकालने के तरीके को इन मैथ में जो तरीका है वही कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री। वही क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री। अब आगे जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। द रिलेशन शिप बिटवीन द एंगल एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे कि मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे कोई एंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल एबीसी है। इस ट्राइंगल में एंगल, इस ट्राइंगल में एंगल और साइड के, एंगल और साइड के बीच में रिलेशनशिप का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस ट्राइंगल में जो एंगल और साइड का रिलेशनशिप होता है उसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, आगे जानते हैं कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, मिटा देते हैं, ट्राइंगल बड़ा बना लेते हैं। मान लेते हैं ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये एंगल ए है, ये राइट एंगल है। एंगल ए के रेस्पेक्ट में ये अपोजिट साइड है, एक्टिव एंगल ए के रेस्पेक्ट में ये अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड टू एंगल ए। एंगल ए के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड है और एंगल ए के रेस्पेक्ट में ये एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट टू एंगल, है ना, अपोजिट साइड है लेकिन परपेंडिकुलर भी है, एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट टू एंगल ए, एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, लेकिन ये बेस भी है, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है। अब देखते हैं कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। पहला, साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए के रेस्पेक्ट में साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू अपोजिट साइड टू एंगल ए,
अपोजिट अपोजिट साइड टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू अपोजिट साइड टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ऑफ एंगल ए को हम लोग साइन ए लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं। साइन ए डिनोट कर रहा है साइन ऑफ एंगल ए को, साइन ऑफ एंगल ए को हम लोग साइन ए लिख सकते हैं। ये डिनोट कर रहा है साइन ऑफ एंगल ए को। साइन ऑफ ए इक्वल टू अपोजिट साइड टू एंगल ए क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को एच से दिखा देते हैं, एच। तो साइन ए इक्वल टू पी बाई एच, पी से परपेंडिकुलर और एच से हाइपोटेन्यूज। सेकेंड रेशियो पे चलते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, एडजेसेंट साइड टू एंगल ए अपॉन hypotenuse। साइन कोसाइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, एंगल ए का एडजेसेंट साइड अपॉन hypotenuse। कोसाइन ऑफ एंगल ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए को लिख सकते हैं कॉस ए। कॉस ए डिनोट कर रहा है कोसाइन ऑफ एंगल ए, कॉस ए। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए एक्चुअल में क्या है, बेस है, तो बी अपॉन एच से हाइपोटेन्यूज, एच से हाइपोटेन्यूज। दोनों का मतलब सेम है, साइन ए इक्वल टू पी बाई एच डिनोट कर रहा है साइन ऑफ एंगल ए, पी से अपोजिट साइड टू एंगल ए और एच से हाइपोटेन्यूज। कोसाइन ऑफ एंगल ए को लिख सकते हैं कॉस ए, एडजेसेंट साइड टू एंगल ए डिनोट कर रहा है बेस साइड को और एच से हाइपोटेन्यूज। आगे देखते हैं, थर्ड टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए अपोजिट साइड टू एंगल ए अपॉन एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, अपोजिट साइड टू एंगल ए अपॉन एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। Tangent of angle A, opposite side to angle A upon adjacent side to angle A. Tangent of angle A को लिख सकते हैं tan A. Tan A denote कर रहा है tangent of angle A equal to opposite side of angle A को क्या लिख सकते हैं P, adjacent side of angle A को B, तो P by B, P by B। फोर्थ पे चलते हैं, फोर्थ ले लेते हैं सेकेंड, सेकेंड ऑफ एंगल ए, सेकेंड ऑफ एंगल ए, सेकेंड ऑफ एंगल ए
को लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। अब सेकेंड ऑफ एंगल ए को लिख सकते हैं सेक ए, सेक ए डिनोट कर रहा है सेकेंड ऑफ एंगल ए को, और हाइपोटेन्यूज को एच, और एडजेसेंट साइड टू एंगल ए क्या है, एक्चुअली में बेस है, एक्चुअली में बेस है। आगे चलते हैं, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड टू एंगल ए, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए को कोसेक ए लिख सकते हैं, कोसेक ए, कोसेक ए डिनोट कर रहा है कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, और हाइपोटेन्यूज को एच, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए एक्चुअली में परपेंडिकुलर एच बाई बी। लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे सिक्स, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए equal to adjacent of angle A upon opposite side to angle A। cotangent of angle A को denote कर सकते हैं cot A से, कॉट ए दिखा रहा है, कॉट ए डिनोट कर रहा है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए को, और एडजेसेंट ऑफ एंगल ए एक्चुअली में बी है, और अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए बी है। आई होप आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझे होंगे, मैंने एक एक करके सभी समझाया है, और एक बार सभी को शॉर्ट में लिख देते हैं। साइन ए पी बाई एच, कॉस ए बेस बाई हाइपोटेन्यूज, एंड टेन ए, एम से ये एंगल, टेन ए इक्वल टू पी बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉस का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, cosec a इक्वल टू एच बाई पी, sec a इक्वल टू एच बाई बी, एंड cot a इक्वल टू बी बाई पी। आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे कि sin का reciprocal cosec, cos का reciprocal sec, cos का reciprocal sec, और tan का reciprocal cot, सभी ये तीन, इन तीनों के क्या है, reciprocal है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, गिवन tan a इक्वल टू 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अ एंगल ए, 10 दिया हुआ है,
पांच अलग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछ रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल हो गया, नामकरण कर देते हैं ए बी सी, बी राइट एंगल, एंगल ए। टेन सॉल्यूशन, आप जानते हैं टेन ए इक्वल टू बी परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, या हाइपोटेन्यूज। आप जानते हैं टेन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, गिवन दे के रखा है 4/3। हमें परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो दे के रखा है। हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर 4 के है और बेस 3 के है। K क्या है, पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो दे के रखा है। राइट एंगल ट्राइंगल है, बाई हाइट पाइथागोरस बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी 3K, 3K का स्क्वायर प्लस बी सी 4K, 4K का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, 25K स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू ए सी, इंप्लाइज दैट ए सी इक्वल टू 5K। 25 रूट से बाहर आएगा, 5K स्क्वायर रूट से बाहर आएगा K। AC की वैल्यू कितनी आ गई, K AC कितना है हमारा 5K। अब सभी साइड पता चल गए तो हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। इसे हटा देते हैं। अब बताइए साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पीछे हमने पढ़ के आया है परपेंडिकुलर 5K अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर 4K अपॉन हाइपोटेनियस 5K, के से के गया 4/5, ठीक है। इसी तरीके से कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 3K, हाइपोटेनियस कितना है 5K, 3/5। 10 दिया था, साइन निकाले कॉस निकाले। हम लोग इजीली जानते हैं कि 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट ए इक्वल टू 1/10 a, तो cot a इक्वल टू 1/4/3, cot a इक्वल टू 3/4।
सिमिलरली साइन का उल्टा कॉसिक, तो कॉसिक ए इक्वल टू वन अपॉन साइन ए इक्वल टू पाई बाई फोर, एंड कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक रेसिप्रोकल, तो सेक ए इक्वल टू वन अपॉन कॉस ए इक्वल टू वन अपॉन थ्री अपॉन फाइव इक्वल टू फाइव बाई थ्री। पांच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने थे, टेन दे के रखा था, साइन निकाले, कॉस निकाले, कॉट निकाले, कॉसेक निकाले और सेक निकाले। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में से